हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अपने यूट्यूब चैनल को सर्चिंग में कैसे लाएं, सर्चिंग ऊपर में कैसे लाएं, ठीक है, एकदम सर्चेबल वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह का वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल को सर्चिंग में लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप अगर यूट्यूब में चैनल बना रहे हैं तो सबसे यूनिक नाम डाल के चैनल बनाइए, तब ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो ठीक है, देखिए मैं किस तरह से लाते हैं सर्चिंग में, तो मैं आपको बता। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है फ्रेंड्स। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद ऊपर में सर्च में देखिए, यहाँ पर टाइपिंग कीजिए youtube.com, ठीक है, www, देखिए ऊपर में आ गया है, इसको नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखते रहिए, नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर थ्री डॉट दिखा रहा है, थ्री डॉट में जाके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, डेस्कटॉप साइट में, ठीक है, कर लीजिए। हो जाने के बाद देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा लोगो दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, वो लोगो में क्लिक करेंगे। लोगो में क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में दिखा रहा है योर चैनल, ठीक है, योर चैनल में क्लिक करेंगे। योर चैनल में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दो ऑप्शन बता रहा है, कस्टमाइज चैनल, मैनेज वीडियो, ठीक है, तो एक नंबर वाला जाना पड़ेगा कस्टमाइज चैनल में, ठीक है। क्लिक किए कस्टमाइज चैनल, उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज आ गए हैं। उसके बाद देखिए फिर नीचे में दिखा रहा है सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है, इसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्टेड, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। इसमें आपको चैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। चैनल में आने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में इंडिया सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, बेसिक इन्फो में, ठीक है। उसके बाद देखिए कीबोर्ड में ये सब को आपको अपने चैनल का करके रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा देखिए ऑलरेडी किया हुआ, ठीक है, मेरा जैसे मोबाइल एडिटिंग, फिर स्पेस टच एडुकेशन स्पेस, इस तरह से आपको कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइपिंग कर करके इंटर करके जाने से इस तरह का आपको अलग अलग कर लेना है आपके चैनल के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा ऐसे किया हुआ है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका चैनल सर्च में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर बता रहा है सेव, सेव में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है इसीलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा, तो आप कर लीजिएगा, आपका अगर नहीं है ये वाला ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।